जनजातीय जिला लाहौल घाटी के मुख्यालय केलांग में कांग्रेस की एक बैठक हुई है। बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी व सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने शिरकत की। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रवि ठाकुर के पुतला को जलाया और रवि ठाकुर मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे को भी टिकट देने का कड़ा विरोध दर्ज किया है। मारकंडे ने बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। चला हुआ है और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ पर कैंडिडेटों की कोई कमी नहीं है। हमारे ग्रास रूट से लेकर हमारे विभिन्न फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर पंचायती राज संस्थाओं से बहुत सारे लोग उत्सुक हैं इस चुनाव में आने के लिए, और उत्सुकता इस बात की भी है कि जिस तरह की गद्दारी हमारे जो है चुने हुए प्रतिनिधियों ने किया, जिस तरह से बेशर्म तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए धन बल का प्रयोग किया, प्रलोभन का प्रयोग किया, असंवैधानिक तरीके अपनाए और जो है अनैतिक कार्य किए, उस सब के विरोध में यह जुलूस है। और एक बात और यहाँ पर हुआ आज, हमारे जो एक आम सभा थी कांग्रेस लाहौल स्पीति की, उसमें यह भी फैसला लिया गया सर्वसम्मति से कि बाहर से कोई भी जो है व्यक्ति, चाहे वो रामलाल मारकंडे ही क्यों ना हो, किसी को जो है कांग्रेस का टिकट ना दिया जाए। और इस बात से जो हम यहाँ पर बिल्कुल सहमत हैं, हमारे बीच में से ही कार्डर में से लोग होने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो है अच्छे उम्मीदवारों के और अच्छे जो हमारे लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए। और ये मुझे 5% ये पता नहीं कौन मेरे खिलाफ है, वो मेरे को पता नहीं है, पर ये मान राजनीति में, और मैं आज हक के साथ यहाँ पे जो एक चिंता का विषय है, मैं उस दिन असम में था, असम में परिवार के साथ था।